120 सीटों से भाजपा हारी। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस आमने सामने लड़ाई या मंच पे या जनता के बीच करते जा रहे हैं। यहां तक कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने शेष बचे हुए हैं और इसको लेकर चारों तरफ से गहमा गहमी भी देखा जा रहा है और अपने अपने रणनीति बनाकर सीट बंटवारे को लेकर तो यहां पे सीटों पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन खुलेआम बात आपको बता दें तो लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस की रणनीति धीरे धीरे सामने आ रही है। हिंदी पट्टी राज्यों में भाजपा की मजबूती को देखते हुए कांग्रेस दक्षिण व नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अधिक से अधिक सीटों जीतने के लिए जोर लगा रही है। कांग्रेस दक्षिण में 129 और उत्तर पूर्व में 25 सीटों को लेकर के स्पेशल प्लान बना रही है। कांग्रेस के धुरंधर नेता इस रणनीति के तहत सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन चुनाव में कांग्रेस इस बार राज्यों के बड़े मुद्दों को उठाती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का तेलंगाना से चुनाव में उतरने का बयान देकर रणनीति का खुलासा भी कर दिया है और इसको लेकर के यहाँ पे 154 सीटों में से कांग्रेस और गठबंधन को करीब 100 में से 200 सीट पर जीत मिल सकती है और इसको लेकर के भाजपा बुरी तरीके से परेशान नजर आ रही है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।